धनबाद कोर्ट का निरीक्षण बोकारो डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा करने पहुंचे। एसएसपी एचपी जनार्दनन सहित धनबाद मुख्यालय डीएसपी साथ रहे। डीआईजी कोर्ट के मुख्य गेट से लेकर मंडल कारा साइड गेट और कोर्ट परिसर का जायजा लिए। कोर्ट सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल से निरीक्षण के दौरान जानकारी लिए। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने का निर्देश दिए। वही डीआईजी ने कहा कोर्ट सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता में है, इसे लेकर निरीक्षण समय समय पर किया जाता है। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो इसका ध्यान और कमियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। कोर्ट सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों की संख्या, सीसीटीवी कैमरा व मेटल डिटेक्टर डोर आदि लगाए जाएंगे। निरीक्षण में जो कमियां मिली है उसे ठीक करने का निर्देश दे दिया गया है। सुरक्षा को लेकर अधिवक्ताओं से भी बात किया जाएगा। कोर्ट में पदस्थापित जज, आने वाले अधिवक्ता मुवक्किल की सुरक्षा बेहतर हो इसका पूरा ध्यान पुलिस रख रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड पुलिस के प्रायोरिटी में कोर्ट सुरक्षा भी प्राथमिकताओं में काफ़ी ऊपर है, और इसी संदर्भ में हम लोग के द्वारा रेगुलर बेसिस से माननीय न्यायालय के जितने भी चैम्बर्स हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, शाखाएं हैं, एंट्री अप्रोच पे क्या डिप्लॉयमेंट है और कहां कहां पे हमारे संतरी पोस्ट लगे हुए हैं, साथ ही टेक्नोलॉजिकली जैसे कि एमडी से, डीएमडी से, सीसीटीवी कैमरा से कहां कहां से मॉनिटर की जा रही है, कहां कहां पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ जो है लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। इसी में आज मेरे साथ एसएसपी धनबाद और डीसी साहब लोग थे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सारे चीज़ों देखा हैं और इसमें मैंने पाया है कि बहुत सारी जगहों पे काफ़ी मुस्तैदी से हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे थे उसके रिवार्ड के लिए भी मैंने साहब से अनुशासन किया है। साथ जहाँ जहाँ पर टेक्निकल बेसिस जैसे सीसीटीवी कैमरा से, एचएचएमडी से, डीएमडी की आवश्यकता होगी, हम लोगों ने उसमें भी एक रिव्यू रिपोर्ट तैयार किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो सिक्योरिटी ऑडिट है, उसका रिपोर्ट आने के बाद और जो संधान दिए जाएंगे उसके बाद हम यहाँ की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। और कुछ बदलाव आने की आवश्यकता है क्या? जी देखिए, अभी आप सब देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मुख्य न्यायालय है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, साथ ही बाढ़ भी है, मुख्य हाट बाजार के इलाका है, तो डिप्लॉयमेंट हम लोगों का जो एडिक्वेट होना चाहिए, तो उसमें जो हमारे पास रिसोर्स है उस हिसाब से एडिक्वेट है, बट कोर्ट की और आवश्यकता है, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बात करके जहां बात करना हो कि भविष्य में कुछ बढ़ा सकें तो अच्छा ही होगा। अधिवक्ताओं से ही बात करने का प्लान है? हाँ, ऑफकोर्स हम सारे जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों से बात करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल जो हमारा काम का जो होना चाहिए लेवल, थोड़ा सा उसमें और इन्हांस करने की आवश्यकता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना है, जो डीएफएमडी की बात अभी साहब करवा रहे हैं, तो टेक्निकल चीज़ों पर जहाँ फोकस कर